हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा हो सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगी हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा, जो सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तारा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तारा जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग हर बार की तरह सुविचार से करेंगे कि आपके अनुसार आज के लिए हमारा सुविचार क्या हो सकता है। जरूर, आज का सुविचार ये है, शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ करते हैं। तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जहां वह हमारी जिंदगी में अर्थ लाते हैं, वहीं पे गलत चुने हुए शब्द, गलत कहे हुए शब्द कभी कभी अनर्थ कर देते हैं और रिश्ते खराब कर देते हैं। तो बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक कहावत भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप ही शीतल करे औरों को भी शीतल करे, आप ही शीतल होए। बिल्कुल तारा जी, एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि शब्द ही ऐसे होते हैं जो दूसरों के मन तक पहुंचते हैं और उन तक ये बताते कि हमारे अंदर के भाव कैसे हैं। तो तारा जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बताइए कि जो एक नंबर के जातक हैं, आपके टैरो कार्ड उनके लिए क्या कहते हैं, कैसा उनका दिन रहने वाला है, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा हो सकता है। एक नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा काम को लेके। आज पहला कार्ड ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मुनाफे का है, सक्सेस का है। तो आज का काम जो भी ये करेंगे उनसे इनको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इनके जो घर वाले हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं, वो भी इनके काम से, बिजनेस से, जॉब से बहुत खुश रहेंगे और इनको सक्सेस मिलेगी। तो आज का दिन इन्वेस्टमेंट का है, अबंडेंस का दिन है, आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज जो भी काम करेंगे उससे इनको रिटर्न्स काफी हाई मिलेंगे। रिश्तों में भी आज काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, मतलब इनकी बात मानी जाएगी। अगर इनको कहीं पीछे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था तो आज इनका दिन है कि आज कॉम्प्रोमाइज ना करके अपनी बात मनवा लें। कहीं ना कहीं इनको आज थोड़ा सा दिमाग और दिल में बैलेंस करना है, ताकि ना ज्यादा दिमाग से चले ना ज्यादा दिल से सेंसिटिव हो जाए, इमोशनल हो जाए। तो थोड़ा सा दिल और दिमाग में बैलेंस करना है। हेल्थ काफी आज अच्छी है, हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि इन्होंने, इनको समझ आ गया है काफी पिछले कुछ दिनों में कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है और हेल्थ का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हैं। तो आज का दिन काफी अच्छा है एक नंबर वालों के लिए। लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। चलिए बिल्कुल, एक नंबर वालों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है, ये एक पॉजिटिव अच्छाई है, ये चीज एकदम सही है। और दो नंबर के लिए आप क्या कहते हैं तारा जी। जरूर, दो नंबर वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल है काम को लेके। अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं, आपके काम का फायदा उठा सकते हैं, आपकी नॉलेज का फायदा उठा सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लॉसेस भी होने की संभावना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आज नहीं लेने। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो आज के दिन थोड़ा सा रुक जाएं, उसको पोस्टपोन कर दें। आज के दिन बहुत तेजी नहीं दिखानी काम में, जॉब चेंज करना चाहते हैं, इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आज के दिन कोशिश ना करें कि हम उसकी तरफ बढ़ें। आज अपने आप को अपने जो पुराना काम है उसी में बिजी रखें और ये ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि दूसरों पे ट्रस्ट आज नहीं करना, काम को लेके, बिजनेस को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपके काम का क्रेडिट खुद ले सकते हैं और आपका नाम भी नहीं आएगा। तो बहुत सतर्क रहना है। रिश्तों में भी कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं, तनाव बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर आपके पार्टनर के साथ। तो बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखनी है आज, बहुत ही शांत स्वभाव रखना है आज। थोड़ा सा टाइम
क्वाइटनेस में स्पेंड करें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क करें। हेल्थ बैलेंस्ड है, हेल्थ में कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं आप हेल्थ को बैलेंस कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आज की बात आपको काम पे और रिश्तों में दोनों ही बैलेंस करने की जरूरत वहां भी है। लकी कलर है आज का आपका रेड और लकी नंबर है 3। तारा जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नाम है गौरव। गौरव, अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल रखिए। सर 19/12/1997 जी, अपना सवाल रखिए। गौरव सुन पा रहे हैं? हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी, व्यू के बारे में पूछ रहा था, कई जगह वो कर लिया, व्यू नहीं हो रहा जी। सुन पाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। गौरव, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, जरा आप क्लियर करके बताएंगे क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? शादी के बारे में पूछ रहे हैं गौरव। कई जगह से देखने के लिए आते पर मना कर दे जी। शादी के बारे में पूछ रहे हैं, आते भी तो मना कर दी जाती है। तारा जी बताइए, कब तक इनके परेशानी का हल हो सकता है? देखिए गौरव, अभी थोड़ा समय लगेगा, कार्ड्स बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं शादी को लेके। कुछ 8 से 9 महीने का समय आ रहा है। आप साथ ही एक छोटा सा उपाय करें, आज थर्सडे भी है और ये उपाय थर्सडे का ही है, तो आज ही का उपाय है। आज आपको एक पीला कपड़ा लेना है 1 मीटर, उसके चारों कोनों में 4 पीले फूल बांधने हैं और उसको मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं वहां पे आपको चढ़ा के आने हैं। ये आप 7 थर्सडेज यानी 7 गुरुवार कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे और ना नहीं होगी, आपकी शादी जरूर हो जाएगी। चलिए बिल्कुल। तारा जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3 नंबर कार्ड के जातकों की, कि 3 नंबर कार्ड के जो जातक है, 3 नंबर के जातक, उनके लिए आपके टैरो कार्ड क्या कहते हैं? 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, सारे ही बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आज मान लीजिए जैसे इनकी इच्छा पूर्ति का दिन है, तो आज अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। बिजनेस में अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन काफी अच्छा रहेगा, बिजनेस काफी फेवरेबल रहेगा। फैमिली में अगर फैमिली से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको काफी मुनाफा होगा। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आज काफी अच्छे मिलेंगे, पैसे दिए हुए हैं, अटके हुए हैं, तो वो भी आज वापस आ जाएंगे। रिश्तों में भी आज बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, स्टार का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं पे एक रिफ्रेशनेस आ रही है, और अगर कहीं पीछे लड़ाई चल रही थी, घर में आपके अनबन चल रही थी, तो आज से सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी और आपको टेंशन नहीं लगनी। होप का कार्ड है, तो आपके रिश्तों में एक नई उम्मीद जाग रही है, और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है, आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ काफी बैलेंस्ड है, हेल्थ काफी अच्छी है, हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, और अगर कुछ थे भी तो वो आज से ठीक हो जाएंगे। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 7। चलिए, तो कुल मिलाकर 3 नंबर के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ होने वाला है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप भी कॉल कीजिए और सीधे हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा से पूछिए कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा कर सकते हैं। तारा जी आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर के जातकों के लिए पूछते हैं कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं। जरूर, 4 नंबर वालों के जो जातक हैं उनको आज थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, क्योंकि आज वर्कलोड काफी रहेगा, काम का प्रेशर काफी रहेगा। तो आपको ये सोचना है कि जो इम्पोर्टेंट काम है, जो जरूरी काम है, वो दिन के एंड तक छूट ना जाए, तो ये ध्यान में रखते हुए आज आपको काम करना है। साथ ही साथ कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, कुछ नई बिगनिंग्स हो सकती हैं, तो कई चीजों की शुरुआत भी आपकी लाइफ में आज होगी, जो काफी लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपको मुनाफा भी देगी। साथ ही साथ रिश्तों में आपको आपके घर में कहीं ना कहीं अगर जो लेडी है, जो फीमेल है, उनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आज होती हुई दिख रही है, इमोशनल ट्रबल है, वाइफ है, तो वो कुछ ना कुछ उनको कंप्लेंट्स है, तो आज थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनना है फैमिली के लिए, और
और अगर आपकी मदद है तो आज थोड़ा सा समय उनके साथ जरूर बताएं, उनकी तरफ ध्यान जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे थोड़ा सा आज सेटबैक है, आपको वहां ध्यान देना है। और हेल्थ में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, कुछ खर्चे दिख रहे हैं, तो आज थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। जहां काम में बहुत अच्छा दिन है, वहीं रिश्तों में और हेल्थ में थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है, ध्यान देने की आज जरूरत है। लकी कलर आज का है येलो और लकी नंबर है आज के लिए 3। तारा जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुष्मिता रहने वाली जींद की हैं। सुष्मिता, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल सामने रखिए। हां जी, गुड मॉर्निंग सर। जी सवाल रखिए, गुड मॉर्निंग। हां जी, तो सर मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1992। सर एक तो उसकी ना मतलब शादी के लिए पूछना है, अभी वो रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन ये जो भी पहले तो कभी हाँ कर देता है कभी ना कर देता है, इसका मतलब कैसे इसका माइंड सेट होगा। और दूसरा ना यूपीएससी पेपर की तैयारी कर रहा है, तो क्या इसको वहाँ सिलेक्शन हो जाएगी? देखिए, शादी के लिए मैंने अभी एक उपाय बताया है, गुरुवार का आज दिन है शादी में, क्योंकि थोड़ी सी अड़चन दिख रही है, कुछ अप एंड डाउन अभी चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी मन ऊपर नीचे है। तो मैंने एक उपाय आपको बताया है, आज पीला कपड़ा लेके पीले फूल चारों कोनों में बांध के मंदिर या गुरुद्वारे में दें गुरुवार के दिन, 7 गुरुवार कीजिए, शादी की अड़चने दूर हो जाएंगी। और जो पेपर के लिए आप बात कर रही हैं, उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर रिजल्ट अभी से 1 महीने के बाद आता है तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, अगर विद इन अ मंथ आता है, ये 1 महीने के अंदर आता है अभी से, तो थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। चलिए तारा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 नंबर के जातकों के लिए, कि 5 नंबर के जातकों के लिए आपके टैरो कार्ड क्या कहते हैं? जरूर, 5 नंबर के जो जातक हैं, आज उनके लिए नेम फेम रिकॉग्निशन का दिन है, तो आज काम में तो आज उनको उनकी जिसे कहते हैं पूरी इम्पोर्टेंस मिलेगी, जो मेहनत की है, जो हार्डवर्क किया है, उसके लिए आज उनके बॉस उनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर बिजनेस में है तो उसमें आपको एक नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको आपकी बातों के लिए, आपके काम के लिए काफी प्रशंसा मिलेगी। तो आज का दिन काफी सक्सेसफुल है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो काफी अच्छा दिन है आज। स्टॉक्स में भी पैसे लगा सकते हैं, उससे भी आज आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। घर पे भी आपका काफी जो है अच्छा माहौल है, रिश्तों में एक नयापन है। शादी के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज के लिए दिन के लिए रुक जाएं। हेल्थ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, माइंड से जुड़ी हुई नींद की या सर दर्द की आज थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, तो रेमेडी के तौर पे आज चने की दाल आप मंदिर या गुरुद्वारे में देके आ सकते हैं, या गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, ताकि थोड़ी सी जो माइंड में हैवीनेस है, जो एक स्ट्रेस बना हुआ है, ये थोड़ा ठीक रहे। लकी नंबर है आज के लिए आपका 6 और लकी कलर है ब्लू। तो इस वक्त एक दर्शक सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सुशील, स्वागत है आपका, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और तारा जी के सामने अपना सवाल रखिए। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93। जी सवाल पूछिए। हाँ, इसकी 2 साल सर्विस लगी थी लेकिन उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाया, अब मैं ये चाह रही सक्सेस रहेगा या इसकी जॉब बहुत परेशान है उससे। बेटे के जॉब के लिए सवाल है तारा जी, इनको उपाय बताइए। देखिए, बेटे की जॉब में अभी चेंजेस आएंगे, अगले 2 महीने बाद चेंजेस आएंगे और जो भी ये परेशानियां हैं ये हट जाएंगी। अभी मैं देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, दोराहे पे है कि जॉब करे या छोड़ दे या क्या करे, तो वो जो ये स्ट्रेस है इसको दूर करने के लिए शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, और साथ ही साथ जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें या जब भी जॉब से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ फेस करके बैठे और काम करें, तो सक्सेस जरूर मिलेगी और ये परेशानियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।
तारा जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव नाम है। गौरव, स्वागत है आपका। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं। 19/12/1997 जी, सवाल रखिए। सर, वो शादी के बारे में पूछ रहे थे, दोबारा बताना। तारा जी, शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। 19/12/1997 डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, इनके समाधान बताएं। देखिए, शादी के लिए मैं एक ही रेमेडी आज बता रही हूँ, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो आप लोग कर सकते हैं। शादी के लिए अभी तकरीबन 13 हफ्ते का समय आ रहा है, जो कि 4 महीने के आसपास आता है। 3 से 4 महीने बाद आपकी शादी की बात बन जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, काम आपका हो जाएगा। शादी के लिए 3 से 4 महीने बाद आपकी हाँ भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी, शादी अच्छी भी रहेगी, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अभी बहुत जल्दी समय आने वाला है। तारा जी, एक दर्शक का सवाल आया है, अभिषेक नाम है। 4 अगस्त 1992 जो है जन्म तिथि है, 93 इनकी जन्म तिथि है, और जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं कि जॉब से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, घर परिवार कैसे इनको आगे इनको चलाना पड़ेगा, ये सारे सवाल इनके दिमाग में जहन में घूम रहे हैं इस वक्त। देखिए, जॉब में सक्सेस इसीलिए नहीं मिल पा रहे कि कहीं ना कहीं ये खुद भी कंफ्यूज्ड है जॉब को लेके, और अपना ये होमवर्क पूरा नहीं करते, जिसे कहते हैं पूरा एक एफर्ट जो है फोकस होके नहीं लगा पा रहे हैं, जो कि एक कारण है कि जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो एक उपाय कर सकते हैं कि अपने घर की नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर एनहांस करें, गोल्डन कलर की चीजें रखें, कैंडल्स रखते हैं वहां पे, या गणेश जी रख सकते हैं मेटल के बने हुए, तो इससे इनको काफी लाभ मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जो इनकी डायरेक्शन घर की बनेगी उसमें गणेश जी रखें मेटल के, तो उससे इनको काफी लाभ मिलेगा। और जॉब में जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है वो भी इनको मिलेगी, पर पहले इनको थोड़ा सा फोकस अपना और बढ़ाना है, कहीं ना कहीं बीच में डावाडोल हो जाते हैं, यही एक कारण है। बट अभी के लिए पैसों की तंगी कुछ और समय तक बनी रहेगी, तकरीबन 7 से 8 महीने तक। चलिए तारा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 नंबर के जातकों की। 6 नंबर के जातकों के लिए टैरो कार्ड में आपके पास क्या है, इनका दिन कैसा रहने वाला है, अगर कुछ इनके साथ नेगेटिव होता है तो उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। 6 नंबर वालों के लिए आज का दिन न्यू आइडियाज का है, इंस्पिरेशन का है और चीजों में सच्चाई को समझने का है। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स ये बता रहे हैं कि चीजों को देखना है, परखना है, समझना है काम में, और तभी आगे बढ़ना है। एक तरफ से एक पहलू देख के चीज का आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। दोनों पहलू देखने हैं, समझने हैं कि इसका अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आज बहुत अच्छे से सोचना है, चैलेंजिंग सिचुएशंस आज आ सकती हैं, तो इसीलिए सोच समझ के आगे बढ़ना है। रिश्ते काफी पॉजिटिव हैं, रिश्तों में आज सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि ये जो लोग हैं आपके आसपास के, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, बट आपको बस सिर्फ सोच समझ के डिसीजन लेना है। लोग आपके आसपास हैं, चीजें आपके आसपास हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। हेल्थ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन है, हेल्थ में आपको अपना ध्यान देना है। आज थोड़ा सा हो सकता है शाम के समय या दोपहर के बाद थोड़ा सा लो फील करें हेल्थ को लेके, तो जो मैंने उपाय बताया है गाय को गुड़ और रोटी खिलाने का वो कर सकते हैं, चने की दाल 800 ग्राम दाल आप मंदिर में दान कर सकते हैं, ताकि आज ये जो हेल्थ से जुड़ी समस्या शुरू हो रही है वो वहीं पे ही खत्म हो जाए और आपको ब्लेसिंग्स भी मिले अगर आप मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे। लकी नंबर है आज का 2 और कलर है आज का येलो। किशन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल सामने रखिए। 11/1986 सर जी, सवाल सुबह 4 बजे सर। सवाल पूछिए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है सर, राजस्थान के अंदर 11 फरवरी का जीएमसी टीचर का सर मेरा पेपर है जी।
तो तारा जी अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना चाहते हैं। आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी है, आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव आए हैं, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है बस। चलिए अच्छी बात है आपके लिए कि आपका जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। इस बीच एक और दर्शक कुसुम हमारे साथ जुड़ चुकी है। कुसुम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल सामने रखिए। 22 सितंबर 1993। जी सवाल रखिए। तो जॉब के बारे में पूछना है सर, कब तक पॉसिबल है? जी इन्हें भी तारा जी जॉब के बारे में पूछना है। ये कब तक लग जाएगी? 3 से 4 महीने अभी लगेंगे आपकी जॉब को लगने में, आपकी जॉब लग जाएगी। 3 to 4 months और है, 3 से 4 महीने और आपकी जो जॉब है आपको मिलेगी। चलिए मेहनत करिए और हिम्मत बिल्कुल मत खोइए, 3 से 4 महीने बाद जो रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा। तारा जी आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के जातकों के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर के जातकों के लिए टैरो कार्ड क्या कुछ कहते हैं? 7 नंबर के जातकों के लिए आज थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन का दिन है, मतलब सोचने का दिन है, सोचने और आगे बढ़ने का दिन है। आप काफी फर्म है, आपने अपने पुराने गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो आज नए गोल्स भी सेट करने का दिन है। प्रॉपर्टी खरीदने का आज बहुत अच्छा दिन है। आज फैमिली काफी सपोर्टिव है, फैमिली में सेलिब्रेशंस भी दिख रही हैं, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं घर के अंदर फैमिली के अंदर वो भी आज पूरी हो सकती है। आज कहीं ना कहीं हेल्थ को पीछे नहीं छोड़ना है, कार्ड्स ये बता रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, सेलिब्रेशन करें, पार्टी करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, बट साथ ही साथ हेल्थ का भी आज पूरा ध्यान रखना है। लकी कलर है आज आपके लिए येलो और लकी नंबर है आज के लिए 3। चलिए तो तारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम के लिए। हमें कार्यक्रम यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा और फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।